Hello friends, welcome to my channel Jha Tutorial, myself Satvik Jha. तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13 सी. इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 13 या 13 भी तो कर ही चुके हैं. तो एक्सरसाइज 13 सी का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सारा का क्वेश्चन है. एक्स ई एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं. देखिए इसमें एक बेसिक रूल है, वो मैं आपको बता देता हूँ आईलेट का. अब आईलेट क्या होता है? आई से इनवर्स, एल से लॉगरिथमिक, ए से अलजेब्रिक, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक, ई से एक्सपोनेंशियल. ठीक है, तो इस सीक्वेंस हम लोग फर्स्ट फंक्शन को मानेंगे. तो देखिए ये अलजेब्रिक फिर एक्सपोनेंशियल, पहले क्या आता है अलजेब्रिक, तो इसलिए इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन. तो फर्स्ट फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दूसरे पहले का डिफ्रेंसिएशन इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन. ठीक है, ये हो गया एक्स ई एक्स और ये हो गया डी एक्स बाय डी एक्स का, तो वन ही हो गया और ई एक्स डिफरेंस इन वन हो गया और ई एक्स का भी इंटीग्रेशन वन हो गया. ये हो गया ई एक्स. अब एक्स ई एक्स फिर ई एक्स का इंटीग्रेशन, तो ई एक्स ही होगा प्लस सी. तो ई एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस वन प्लस सी. ठीक है, बहुत सिंपल है. एक्स कॉस एक्स डी एक्स, वही बात. देखिए हम सीधा करते जाएंगे, आपको इस रूल से मिलाना है कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं. अगर कहीं भी कुछ गलती हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा. कॉस एक्स डी एक्स डी एक्स बाई डी एक्स कॉस एक्स डी एक्स, इसका हो गया एक्स साइन एक्स और इसका हो गया कॉस का साइन एक्स. एक्स साइन एक्स और साइन एक्स का क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस एक्स प्लस सी. ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं. एक्स ई का पावर टू एक्स डी एक्स, एक्स ई का पावर टू एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स बाई डी एक्स ई का पावर टू एक्स डी एक्स. एक्स ई का पावर टू एक्स बाई टू, इसका इंटीग्रेशन इतना हो जाएगा और ये हो गया आपको ई का पावर टू एक्स बाई टू. ई का पावर टू एक्स बाई टू इंटू एक्स और ये कितना हो गया माइनस ए का पावर टू एक्स बाई टू इंटू टू फोर, क्योंकि इसका फिर से करेंगे तो ये टू तो पहले से था और इसका टू फोर. अच्छे से लिख लेते हैं, वन बाई टू एक्स ई का पावर टू एक्स माइनस वन बाई फोर ई का पावर टू एक्स प्लस सी. ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं. तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? एक्स साइन थ्री एक्स एक्स साइन थ्री एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स बाई डी एक्स इंटू साइन थ्री एक्स डी एक्स. ये हो गया एक्स इंटू माइनस कॉस थ्री एक्स बाई थ्री माइनस माइनस कॉस थ्री एक्स बाई थ्री. भाई हुआ कि नहीं? और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. और कॉस एक्स का क्या होता है? साइन एक्स. तो ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस थ्री एक्स होगा ना, कॉस थ्री एक्स बाई थ्री प्लस साइन थ्री एक्स बाय थ्री और यहां थ्री पहले से, तो नाइन प्लस. देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन. तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है एक्स कॉस टू एक्स इंटू डी एक्स, एक्स कॉस टू एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स बाई डी एक्स कॉस टू एक्स इंटू डी एक्स. ये हो गया एक्स इंटू साइन टू एक्स बाय टू. ठीक है, और ये हो गया आपको साइन टू एक्स बाई टू. तो ये हो गया वन बाई टू एक्स साइन टू एक्स और ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन का क्या होता है? माइनस कॉस और यहां माइनस पहले थे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ये हो गया वन बाई फोर कॉस टू एक्स बाई टू एक्स प्लस सी. ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन. सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक्स लॉग टू एक्स डी एक्स. ज्यादा कुछ नहीं करना है, आईलेट के हिसाब से चलना है. तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे? आई एल ए टी, एल पहले आता है इसलिए लॉग को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन. तो लॉग टू एक्स एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग टू एक्स बाई डी एक्स इंटू एक्स. ये हो गया लॉग टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू और ये हो गया आपको वन बाई टू एक्स लॉग
का नीचे आ जाता है और फिर 2x का 2, और इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स एक एक्स कटा, 2 से 2 कटा, ऊपर बच कितना गया x बाई टू, तो ये हो गया log 2x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स बाई टू, ये हो गया हाफ एक्स स्क्वायर log 2x माइनस 1 बाई फोर एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब देखते हैं सेवेंथ नंबर क्वेश्चन। तो सेवेंथ क्वेश्चन जो है ये तो और भी आसान क्वेश्चन, x cos x स्क्वायर x dx, तो x cos x स्क्वायर dx माइनस dx बाई dx cos x स्क्वायर dx करते हैं, क्या हो जाएगा x और cos का cos x स्क्वायर का माइनस cot x माइनस dx बाई dx का, तो क्या हो गया 1, और cos x स्क्वायर x का कितना हो गया माइनस cot x। ठीक है, तो ये हो गया माइनस x cot x प्लस इंटीग्रेशन में cot x, और cot x का कितना होता है बताओ आप ही भाई, log sin x होता है ना, पढ़ा था ना, नहीं पढ़ा तो RS अग्रवाल के जो इससे पहले वाला एक्सरसाइज था, इसी एक्सरसाइज के पहले एग्जांपल वगैरह में बताया गया है। तो ये हो गया आपको log sin x प्लस सी। ठीक है, आप देखते हैं एट नंबर क्वेश्चन। तो फिर एट नंबर क्वेश्चन है आपको एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, तोड़ दीजिए एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस डी एक्स डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स और कॉस एक्स डी एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये क्या हो गया 2x इसका, और इसका क्या हो जाएगा सीधा साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए, अब क्या करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, 2 बाहर ले लेते हैं और x साइन एक्स, अब फिर से इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो पहले इसका कर लेते हैं फिर सीधा पुट कर देंगे। तो इसका करते हैं तो क्या हो जाएगा x sin x का, x को माने फंक्शन sin x माइनस dx बाय dx sin x, देखिए ये अलग चीज हो रहा है, यहां पे इसका हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस x cos x, क्योंकि sin x का माइनस cos x होता है, और ये क्या हो गया ये माइनस sin x का cos x, तो माइनस cos x, तो ये प्लस cos x, ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स और कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी। अब इसकी जगह पे ये पुट कर देंगे, बहुत लंबा चौड़ा लाइन खींच लिए थे, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है, माइनस टू इसकी जगह पे ये माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये अलग चीज है, इसकी जगह ये निकाले। अब एक्स स्क्वायर साइन एक्स और ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया टू एक्स कॉस एक्स और ये क्या हो गया माइनस टू साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देख लेते हैं नाइन्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्या करते हैं साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे तोड़ लेते हैं, उम्मीद है आप लोग समझ जाएंगे कि पहले वाले अगर आप लोग कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे अगर तोड़े तो। अब क्या करते हैं 1 बाई टू को बाहर ले लेते हैं और ये हो गया x 1 माइनस कॉस 2x। अब क्या करते हैं 1 बाई टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं, 1 बाई टू पहले काम करते हैं इसका कर ही लेते हैं, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो गया आपको x और फिर इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x माइनस साइन 2x बाई टू करके देख लो, और फिर इसका डिफरेंशिएशन तो एक 1 ही हो गया और फिर इसका इंटीग्रेशन, तो x माइनस साइन 2x बाई टू। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन 2x बाई टू और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू और ये माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन 2x का क्या होता है माइनस कॉस 2x, तो माइनस कॉस 2x बाई 4। अब लेकिन बात क्या था 1 बाई टू तो इसके सामने बचा हुआ था, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाय क्या बताओ
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू तो हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, और एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू टू तो एक्स स्क्वायर बाई फोर, ये हो गया वन माइनस वन बाई फोर साइन एक्स इंटू एक्स, और ये हो गया माइनस वन बाई एट कॉस टू एक्स प्लस सी। ठीक है, सो सिंपल। देखते हैं टेंथ नंबर क्वेश्चन और इलेवेंथ नंबर क्वेश्चन और वीडियो को एंड करते हैं। हमारा टेंथ नंबर क्वेश्चन जो है ये एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्या करते हैं टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में तोड़ लेते हैं, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन का पार्ट लगाते हैं इस पे, तो ये हो गया एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस डी एक्स बाई डी एक्स और सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन का क्या हो जाएगा, एक्स सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है टेन एक्स, और माइनस वन का माइनस एक्स, और ये इसका तो वन ही हो गया डिफ्रेंसिएशन, और इसका फिर निकाले थे टेन एक्स माइनस एक्स। अब क्या करते हैं एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक्स टेन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब टेन एक्स माइनस एक्स का, तो टेन एक्स का क्या होता है लॉग सेक एक्स, और एक्स का कितना होता है एक्स स्क्वायर बाई टू। देखिए प्लस क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस, आ गया आंसर, इतना ही सिंपल था। इलेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है एक्स स्क्वायर ई एक्स डी एक्स, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू ई एक्स। ठीक है, ये हो गया आपको एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस टू एक्स ई एक्स, करते हैं इसको क्या हो गया एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस टू बाहर लिए एक्स ई एक्स ऐसे ही रह गया। अब इस वाले टर्म पे फिर से इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ई एक्स को ऐसे ही रहने दिए माइनस टू को ऐसे ही रहने दिए, और फिर इस पे इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाए तो एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स माइनस डी एक्स बाई डी एक्स फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स, इसको तो ऐसे ही रहने दिए माइनस टू, ये क्या हो गया ये हो गया एक्स ई एक्स। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका तो वन ही होगा और ex का इंटीग्रेशन तो ex ही होगा, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे तब भी ex ही होगा प्लस c, क्या हो गया एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस टू एक्स ई एक्स प्लस टू ई एक्स प्लस सी। ठीक है, अब क्या करते हैं e की पावर x को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर यहां से माइनस टू एक्स यहां से प्लस टू यहां से प्लस सी, आ गया हमारा आंसर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में लोग मिलते हैं आपसे नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है।